भोजपुरी गायक पवन सिंह ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे रोहतास के काराकाट लोकसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर जनता का आशीर्वाद भी मांगा है और कहा कि काराकाट की मिट्टी मुझे माँ जैसी प्यारी है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये तय नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में वो भी कूद पड़े हैं। पवन सिंह सोशल मीडिया के जरिए जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगते नजर आ रहे हैं। तो वह सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है और इसके साथ ही लिखा है, विकास मेरा कर्म, सेवा मेरा धर्म, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के माटी चंदन समझ के हम लगा ले ले बानी, रउआ सबे हमके आपन बना ली, काहे कि हम रउआ के आपन बना लेने बानी, आपका नेता आपका बेटा पवन सिंह। साथ ही पवन सिंह ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि आप सभी को प्रणाम, मैं पवन सिंह आ रहा हूँ काराकाट, सर सजदे में है, दिल में सेवादारी है, काराकाट की मिट्टी मुझे माँ जैसी प्यारी है, आपका आशीर्वाद प्यार और दुलार मिले, बस इतनी चाहत हमारी है। तो वही अभिनेता और भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने कहा, काराकाट की देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ, आपका प्यार मिले, आपका बेटा आपका नेता बने और मुझे सेवा करने का अधिकार मिले, जय हिंद, जय बिहार, जय काराकाट की जनता। वही पवन सिंह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इससे पहले 13 मार्च को इन्होंने एक्स पर लिखा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था पर उन्होंने लड़ने से साफ इनकार कर दिया। पवन सिंह आर्या से लड़ना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने काराकाट से लड़ने के संकेत दिए हैं और अब साफ कर दिया है कि यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो वहीं एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह चुनौती देंगे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।